हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम दही बड़े बनाने चल रहे हैं। तो ये हमने उड़द दाल भिगा लिया था, ये लगभग 5-6 घंटा हम भिगाए थे, तो इसको धुल लिए हैं। इसको मिक्सी जार में पीसने चल रहे हैं। हमने मिक्सी ले लिया है, इसमें हम पीस के निकाल लिए हैं बाउल में। तो इसमें हम जीरा थोड़ा सा मिला रहे हैं, स्वाद अनुसार नमक हल्का सा मिला दे रहे हैं इसमें। इसको इस तरीके से हम मिला रहे हैं, अभी फेटेंगे। ये इस तरीके से हम इसको फेंट लिए हैं, ये काफ़ी हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो इसको हम रख देते हैं अभी 10 मिनट के लिए, ढक के रख देते हैं। तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। एक चम्मच हम जीरा लिए थे, भूज लिए हैं। आधा छोटा चम्मच अजवाइन लिए हैं। एक चुटकी हम हींग ले रहे हैं। इसको सब चीज़ मिला के अच्छे से पीस लेते हैं दरबरा। हम तेल रख दिए हैं, ये हमारा गरम हो रहा है। अब इसमें इस तरीके से हम छोटा छोटा डालेंगे। ये हमारा अच्छी तरीके से बन रहा है। ये इस तरीके से हम कढ़ाही में डाल दिए हैं, तो ये हमारे फूलने लगे हैं धीरे धीरे। इसको हम पलट दे रहे हैं, ये देखिए। ज़्यादा आज तेज़ हम नहीं किए, मीडियम गैस पे बना रहे हैं इसको। ये हमारे कितने फूल फूल आए हैं देख लीजिए। ये हमारे बड़े पक गए हैं, इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देख लीजिए कितने फूले फूले बने हैं, इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। रख देते हैं 10 मिनट के लिए, हमारा ठंडा हो जाए थोड़ा सा, तब हम गर्म पानी में डालेंगे। अभी गर्म है, ये हमारा ठंडा हो गया है। देख लीजिए कितना सॉफ्ट है, इसको हम तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। इसको हम हल्का गुनगुने पानी में डाल दे रहे हैं। डाल के हम 10 मिनट तक इसको रख दे रहे हैं, ये हमारा पानी पी ले तब तक। इसमें हम एक चम्मच चीनी मिला दे रहे हैं दही में। इसको हम अच्छे से फेंट दे रहे हैं ताकि हमारी चीनी गल जाए। ये हम सभी बड़े को गर्म पानी से निकाल के ठंडे पानी में डाल दे रहे हैं। अब लगभग 10 मिनट तक हम रख दे रहे हैं, ठंडा पानी हमारा और सॉफ्ट हो जाए, तब हम इसको सेट करते हैं। फूटी जाए, ये हम इस तरीके से पानी निकाल दे रहे हैं इसको। 10 मिनट हमारा हो गया है। ज़्यादा हम इसको दबा के पानी नहीं निकाल रहे हैं, हल्का ही से निकाल रहे हैं। अब इसमें हम बड़ा लगा रहे हैं, इसमें हम तैयार कर रहे हैं इसको। इसमें हम दही मिला रहे हैं। अब दही को पूरी अच्छी तरीके से मिला दे रहे हैं। ये हम इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल रहे हैं इस पर। अब हम हरी चटनी लिए हैं, उसको डाल दे रहे हैं। इसमें हम जो जीरा अजवाइन और हींग लिए हैं उसको डाल दे रहे हैं। काला नमक डाल रहे हैं हल्का से हम, और हम भुजिया नमकीन डाल रहे हैं। आपको जो पसंद है अनार के दाने या भुजिया नमकीन, वो आप डाल सकते हैं। इस तरीके से हमारे दही बड़ा बन के तैयार हो गया है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। अगर हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।